नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोटबंदी पर। सड़क संग्राम जो कि बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पहले यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसके बाद गुलाम नबी आजाद के बयान को मुद्दा बनाकर विरोध किया गया, तो अब उसके बाद फिर से महिला कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भी प्रदर्शन जारी है, नोटबंदी का विरोध किया जा रहा है। महिला मोर्चा यूथ कांग्रेस का जो है वो प्रदर्शन कर रहा है अशोक होटल के आसपास, और वहीं बीजेपी का भी प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। बीजेपी प्रदर्शन कर रहा है गुलाम नबी आजाद के बयान के विरोध में। दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है, और ये संग्राम दरअसल शुरू हुआ है नोटबंदी की वजह से। लेकिन एक तरफ नोटबंदी का विरोध महिला कांग्रेस की तरफ से पुतला फूंका जा रहा है, महिला कांग्रेस ये पुतला फूंक रही है, और दूसरा प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है गुलाम नबी आजाद के दोनों प्रदर्शन बीजेपी की ओर से, एक तरफ गुलाम नबी आजाद का पुतला फूंका जा रहा है, दूसरी तरफ उनके बयान का विरोध। दो अलग अलग जगहों पर किस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं नोटबंदी पर, किस तरह से अब सड़क पर भी असर दिखने लगा है। लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा था कि गुलाम नबी आजाद ने कल संसद में जो बयान दिया वो दरअसल, और कांग्रेस का भी प्रदर्शन इस वक्त सड़क पर चल रहा है। कांग्रेस का जो महिला मोर्चा है वो अशोक होटल के पास प्रदर्शन कर रहा है, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से झंडे और बैनर लेकर ये तमाम महिला कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुकी हैं नोटबंदी के खिलाफ महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में किसी तरह की आगे गड़बड़ी ना हो इसे रोकने के लिए वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूर खदेड़ा जा रहा है इन महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, इस वक्त भी क्या प्रदर्शन जारी है या फिर प्रदर्शनकारियों को दूर कर दिया गया है वाटर कैनन का इस्तेमाल करके? देखिए, प्रदर्शन अभी जारी है और साफ तौर पे कांग्रेस ने जो है काफी आक्रामक तेवर अपना रखे हैं। जिस तरह से प्रदर्शन पॉलिटिक्स आपको नजर आ रही है सड़कों पर, पहले कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, यूथ कांग्रेस ने किया, उसके बाद पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, और अब ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास तक का जो महिला कांग्रेस का प्रदर्शन था वो जाना था, पर जाहिर है पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रखी है और वाटर कैनन का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है भीड़ को रोकने के लिए। कुल मिला के कांग्रेस की कोशिश ये है कि पूरे विपक्ष को यूनाइट करे इस मसले पर। यही वजह है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष से सबक सीखते हुए कांग्रेस के जितने विंग हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो या महिला कांग्रेस हो, वो सड़क पर उतर आए हैं और वो इस मुद्दे से भटकना नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन नोटबंदी पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ चुका है। जनता बैंक और एटीएम के बाहर लाइन में खड़ी हुई है, तो नेता संसद और संसद के बाहर अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आज संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी पर जमकर हंगामा हुआ। सोमवार तक के लिए दोनों सदन स्थगित कर दिए गए हैं। विपक्ष नोटबंदी पर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सरकार राष्ट्रहित से जोड़कर पलटवार कर रही है। लेफ्ट का प्रदर्शन हुआ, लोकसभा में जमकर विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, वहीं सड़क पर किस तरह से संग्राम छिड़ा हुआ है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बहरहाल, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कल राज्यसभा में बोलते हुए उरी के शहीदों और नोटबंदी के दौरान जिनकी मौत हुई उन लोगों की तुलना आपस में कर दी। इसके बाद जमकर संसद में हंगामा बरपा, चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के वरिष्ठ आईएएस अफसर नवनीत सहगल एक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। खबर आ रही है कि वो नए हाईवे का जायजा लेने वहां पर गए थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। बालकृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। बालकृष्ण, कैसे और किस वक्त हुआ ये हादसा, और इस वक्त नवनीत सहगल की हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, नवनीत सहगल अब से थोड़ी देर पहले उन्नाव के पास हसनगंज है, जहां पर की 21 तारीख को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, जहां पर कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जिसका उद्घाटन करेंगे, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए गए थे। वहां पे आज जो एयरफोर्स के विमान लड़ाकू जहाज थे उनको उतरने का रिहर्सल भी था, और जब वहां से वो लौट रहे थे उसके बाद उनकी दुर्घटना हुई हसनगंज के पास में। वो अपनी एम्बेसडर कार, जो ऑफिशियल कार है, उसमें सवार थे, और सामने से बताया जाता है कि रॉन्ग साइड से सामने से आते हुए गाड़ी से हेड ऑन कोलिजन हुआ।
सामने से आते हुए गाड़ी से टक्कर हुई, जिसके बाद उनको चोट लगी है और उसके बाद उनको अभी लखनऊ के KGMC जो अस्पताल है वहां पर लाया जा रहा है, वहां पे ट्रॉमा सेंटर में उनको लाया जा रहा है जी। और इस वक्त उनकी हालत कैसी बताई जा रही है, किसी डॉक्टर से या किसी परिचित से आपकी बात हुई हो? उनके सास के व्यक्ति से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि उनको चोट लगी है, हालांकि उनकी स्थिति, उनकी जान को कोई खतरा हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको हादसे में चोट लगी है और इसलिए उनको ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर है लेकिन उनको चोट लगी है। और अब से कितनी देर पहले ये हादसा हुआ बालकृष्ण? ये अब से करीब आधे घंटे पहले हादसा हुआ और 1 बजे के करीब वहां पर रिहर्सल था, जिसमें कि लड़ाकू विमान वहां पर टच डाउन करना था एक्सप्रेसवे पर, वहां से उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए उसके लिए गए थे और उसके बाद जब वहां से लौट रहे थे तब आधे घंटे पहले करीब हसनगंज के पास में उनकी दुर्घटना हुई। और गाड़ी में उनके साथ कौन कौन सवार था बालकृष्ण? गाड़ी में उनके स्टाफ के लोग सवार थे, एक दो पत्रकार भी उनके साथ में शामिल थे, उन लोगों को भी हल्की चोट लगी है। उनमें से एक इस व्यक्ति से मेरी बात भी हुई, वो तो लोगों को चोट लगी है लेकिन जैसे हमारे संवाददाता बालकृष्ण जानकारी देते, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हेड ऑन कोलिजन हुआ है नवनीत सहगल की एम्बेसडर कार का, सामने से आ रही कार का, और कार की हालत देखिए, आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन नवनीत सहगल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे, सियासी हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने नोट बदलवाने वाले लोगों की उंगली पर स्याही लगाने के फैसले पर चिंता जताई है। दरअसल आयोग की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई है कि कल होने वाले कई उपचुनाव में वोटर्स की उंगली पर स्याही लगनी है, लेकिन अगर पहले से ही उनकी उंगली पर स्याही लगी होगी तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। आयोग ने यह भी कहा कि कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए कि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही ना लगाई जाए, क्योंकि चुनावी नियमों के मुताबिक वोटर की उसी उंगली पर स्याही लगनी होती है। ये तमाम बातें इस चिट्ठी में कही गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की चिट्ठी जिसमें स्याही के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर ये स्याही ना लगाई जाए क्योंकि ये भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। तो नोटबंदी पर अब तक आपको सिर्फ जनता की परेशानियां देखी आपने, लेकिन अब पहली बार इस पर जज को भी परेशानी की खबर सामने आई है। दरअसल नोटबंदी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी पर केंद्र सरकार ने ठीक से दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, सरकार रोज रोज नियम कानून बदल रही है और इससे लगता है कि सरकार ने पहले से होमवर्क भी नहीं किया है। जज ने अपने बेटे की बीमारी का हवाला दिया और ये कहा कि मेरा बेटा डेंगू से पीड़ित है और अस्पताल कैश लेने के लिए तैयार नहीं। लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जरूरी इलाज के लिए लोग परेशान हैं। मेरे बेटे को डेंगू हो गया है और अस्पताल कैश मंजूर करने को तैयार नहीं। सरकार ने इस मामले में दिमाग ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया। रोज फैसलों को बदलने से मालूम चल रहा है कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। हम सरकार के फैसले को नहीं बदल सकते, लेकिन बैंक कर्मियों के काम में गंभीरता नहीं दिख रही। वहीं काले धन पर मोदी सरकार ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक की है। बेनामी संपत्ति पर नकेल कसने के लिए सरकार ने 200 से ज्यादा टीमें बनाई और ये टीमें हाईवे के साथ की जमीन के साथ साथ औद्योगिक और कमर्शियल प्लॉट्स की जांच करेगी। सरकार की नजर दुकानों और लुटियन जोन की जमीनों पर भी, और इन जमीनों और प्लॉट्स की खरीद बिक्री का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2, मोदी सरकार का अगला वार, नोटबंदी के बाद अगला निशाना बेनामी संपत्ति पर प्रहार। अभी तो नोटबंदी से ही हाहाकार मचा हुआ है, बड़ी बड़ी तिजोरियों के मालिक मुंह छिपाए फिर रहे हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर दूसरा वार कर दिया है। इस बार सरकार का बुलडोजर बेनामी संपत्तियों पर चला है। केंद्र सरकार ने देश के सभी प्रमुख शहरों के हाईवे के पास की जमीनों की जाँच शुरू कर दी है। प्रमुख शहरों के VIP इलाकों में मौजूद जायदादों की जांच चल रही है। प्रमुख औद्योगिक प्लॉटों और व्यावसायिक मकानों दुकानों की जांच भी की जा रही है। सरकार ये पता लगाने में जुट गई है कि ये दुकानें और प्लॉट किसके नाम हैं। बड़े बंगले और औद्योगिक प्लॉट की जांच के दौरान ये पता चला है
कि लुटियंस जोन में भी कुछ बंगलों का असली मालिक कोई और है। रिश्वत और भ्रष्टाचार की रकमों से कुछ बंगले खरीदे गए हैं। जांच के बाद एक बंगला बंद भी कर दिया गया है। सरकार ने विभागों से सरकारी जमीनों का भी ब्यौरा मांगा है, कहां कहां कब्जे हैं इसकी सूची तैयार की जा रही है। आयकर और दूसरे विभागों की मदद से वेरिफिकेशन की जा रही है। 200 से ज्यादा टीमें सत्यापन कर रही हैं। एक बार जब जानकारी सामने आ जाएगी तब सरकार कार्रवाई शुरू करेगी। बेनामी संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति को किसी और की धनराशि के बदले हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी जिस संपत्ति की धनराशि कोई और चुकाता हो लेकिन मालिक कोई और हो। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये एक्ट 1 नवंबर से लागू किया जा चुका है, जिसके तहत बेनामी संपत्ति जब्त की जा सकती है और 7 साल की सजा भी हो सकती है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।